Strange Bus News Real Time. बाढ़ नगर परिषद के पार्षदों ने आपात बैठक कर नए सिरे से कार्यपालक पदाधिकारी के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। विदित हो कि दो दिन पूर्व बाढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मी से लेकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तक कार्यपालक पदाधिकारी के विरुद्ध नगर परिषद परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था, लेकिन कुछ तकनीकी खामियां के वजह से प्रशासनिक दबाव पड़ते ही धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया था, जिसको लेकर प्रदर्शनकारियों की काफी फजीहत भी हुई थी। इसी फजीहत को जीत की अमलीजामा पहनाने के उद्देश्य से आज सभी पार्षदों ने आपात बैठक कर दोबारा धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। बैठक समाप्त होने के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता ने कहा कि पूरा नगर परिषद परिवार कार्यपालक पदाधिकारी के व्यवहार से तंग आ चुके हैं। यहाँ विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं, जिसकी जांच होना जरूरी है। वहीं धरना प्रदर्शन के मुद्दे पर वार्ड नंबर 8 के पार्षद पति ने कहा कि कार्यपालक पदाधिकारी के पति द्वारा बार बार बोर्ड को भंग करवाने की धमकी दी जा रही है, जिसका ऑडियो मेरे पास है। पति के ताकत को ढाल बनाकर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद कर्मियों के साथ साथ यहाँ के जनता पर भी अत्याचार कर रही है, क्योंकि कार्यपालक पदाधिकारी के पति का ताल्लुक सरकारी दल से है और सरकारी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह की धमकी के कारण वार्ड पार्षदों को धरना प्रदर्शन जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं, जबकि विगत 9 माह से शहर के विकास का सारा कामकाज ठप है। ब्रजकिशोर पिंकू के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट।